नमस्कार लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस एन डी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 27 अगस्त से 2 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो लिब्रा हैं और उनके पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस इसमें क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस वो लिब्रा के पर्सन क्या महसूस करते हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि लिब्रा को इस रिश्ते में स्टैंड लेने की ज़रूरत है, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो लाइफ में कभी भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और चाहे उसके लिए थोड़ा सा रूढ़ कठोर बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, या फिर वो अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। यानी कि जो लिब्रा के पर्सन है वो खुद इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उन्हें स्टैंड लेना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उन्हें अपनों के साथ या अपनों के खिलाफ थोड़ा सा वाद विवाद रूढ़ बनना पड़े। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको। 7 ऑफ वांड्स को द एम्परर एम्प्रेस स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर लिब्रा इसमें स्टैंड ले लेते हैं तो हिम्मत, करेज और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। आप इसमें डरते नहीं, घबराते नहीं, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इसमें एक स्टैंड लेते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, सोलमेट ये रिश्ता हो सकता है, और नेम और फेम मिल सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्रिएटिव बन सकता है, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम हो सकती है। तो काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत, घर बनना, घर बसना, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना, खुशियाँ आना, गॉर्जियस होना, नेम और फेम होना, वो सब हो सकता है। अगर या तो उनके पर्सन इसमें स्टैंड लें, यानी कि लिब्रा स्टैंड लें, या फिर वो खुद अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए और इस रिश्ते को गॉर्जियस सक्सेसफुल बनाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इसमें मिल रही हैं। अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे कि तो लाइफ में स्टैंड नहीं ले पाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में फील कर रहे हैं। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, वो लिब्रा के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं या फिर अपने पर्सन के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं। तो देखते हैं कि लिब्रा क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो महसूस करते हैं कि उनके पर्सन को इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर। ये जो इमैच्योर एनर्जी है, एक बच्चे की एनर्जी है, तो इनको एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर वो शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे फ्रूटफुल हो सकता है, समय लग सकता है लेकिन कामयाब जरूर होगा। या फिर वो खुद महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो रहे हैं, तो इसलिए वो अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो जो लिब्रा हैं वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। उनको लग रहा है कि चाहे इसमें थोड़ा सा रूड बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन अगर फ्यूचर को आगे बढ़ाना है, इसमें टीम एफर्ट, टीम वर्क लगाना है, गेट टुगेदर करना है, पिकनिक पार्टी कर सेलिब्रेशन करना है और एक फैमिली, एक परिवार बनाना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें क्लैरिटी इस रिश्ते में लानी पड़ेगी।
और तभी ये रिश्ता स्ट्रांग बनेगा, तभी ये रिश्ता मजबूत बनेगा। फ्यूचर में दिक्कतें परेशानियाँ इस रिश्ते में नहीं आएंगी और वो एक बच्चे की इस एमेच्योर एनर्जी को एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, चीयरफुल करना चाहते हैं, टीम एफर्ट टीम एनर्जी डालने के बारे में सोच रहे हैं, खुशियां चाहते हैं, टी पार्टी ब्रेकफास्ट डिनर लंच कुछ ना कुछ इस उनके साथ वो करना चाहते हैं और चीयरफुल इस रिश्ते को बनाने के बारे में महसूस कर रहे हैं। तो या तो लिब्रा वो महसूस कर रहे हैं कि या तो उनके पर्सन को ऐसा करना चाहिए या फिर उन्हें वो खुद ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ट्स, वो मैं चाहते हैं कि भले ही उनके पास और ऑप्शन है लेकिन वो इस रिश्ते को में सही वो वेट करें, इंतज़ार करें कि कब इस ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। घर बनना, घर बसना, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना, फ्रूटफुल होना, ये सब चीज़ें होंगी। तो वो वेट करें, इंतज़ार करें, भले ही उनके पास और ऑप्शन है, या फिर वो खुद वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं कि जब तक सही समय वक्त नहीं आ जाता वो दूसरी तरफ नहीं बढ़ेंगे और सिर्फ लिब्रा का वेट करेंगे। तो देख इसको क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ट्स, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो लिब्रा के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस रहा है, ओवरथिंकिंग इस रिश्ते में रही है, या तो उनके पर्सन ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, उनके पार्टनर, या वो फिर खुद ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। इस रिश्ते में बातें नहीं हो रही हैं या खुलकर इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, तो वो खुलकर वो महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं अपने पार्टनर से, लिब्रा से चाहते हैं कि वो इस ओवरथिंकिंग से बाहर निकले और इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकले, अपने बंधन को खोले और वो आमने सामने एक दूसरे से बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, वाद विवाद बखेड़ा खड़ा करने के, वो एक दूसरे से खुलकर बातें करें और इस रिश्ते में स्टैंड लें। अगर वो स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, आगे जाकर कोई कमिटमेंट वगैरह किया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि अगर ये रिश्ते में आगे कमिटमेंट वगैरह होती है या शादी में कन्वर्ट किया जाता है तो ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, सब कुछ इस रिश्ते से बढ़ सकता है। और वो चाहते हैं कि वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाएं, कामयाब बनाएं। तो ऐसा वो अपने पार्टनर से चाहते हैं, यानी कि लिब्रा से चाहते हैं। तो देखते हैं कि लिब्रा क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, लिब्रा अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं कि वो अपना जो उनका पैशन है, जो उनका जुनून है, उसे ज़रूर फॉलो करें, लेकिन सबसे पहले वो रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो बजाय के फ़ायदे के वो इसमें नुकसान हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो लिब्रा हैं वो चाहते हैं कि जो भी इस वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें बहुत दुख दिया है, जिस चीज़ से वो अब भी परेशान हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से वो अब भी गुजर रहे हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि वो उठें, चलें और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। जो क्योंकि जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो बता रहा है कि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी जो स्ट्रेस जो बाधाओं का कार्ड होता है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक बिगिनिंग एक शुरुआत का। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो महसूस कर रहे हैं कि इतना वो उठें चलें और इस रिश्ते में एक आशा की किरण चाहते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत और चाहते हैं। तो वो ऐसा वो खुद करना चाहते हैं या फिर अपने पार्टनर से चाहते हैं वो, कि उनके पार्टनर भले ही उन्हें इस रिश्ते में परेशानियां दुख तकलीफें हुई हैं, उनको चोट पहुंची है, वो उठ नहीं पा रही हैं चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो उठें चलें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करें। और वो चाहते हैं कि इसमें अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग एक शुरुआत कर देते हैं, अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, तो इस रिश्ते में उन्हें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, जैसा जिसने कर्म किया है जैसा जिस उसी के अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलेगा। और अगर कोई गलती नहीं की है तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, भले ही किसी ने भी किसी को दुख दिया है, आघात पहुँचा है, चोट पहुँचाई है, या फिर हो सकता है कि दोनों तरफ से ही उनको चोट पहुँची है, दोनों तरफ से ही एक दूसरे ने उनको धोखा दिया है या उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस करे, न्याय करे, और इस रिश्ते को दोबारा से एक मौका दे और एक बिगनिंग एक शुरुआत इस रिश्ते में हो। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो पुरानी बाधाओं को ख़त्म करते हुए एक जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो स्टेबल होने जा रही है, स्टेबल होती दिखाई दे रही है। इसमें एक बिगिनिंग होगी, एक शुरुआत होगी, एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में जरूर आएगी। तो ऐसा ये कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते से, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस, फाइव ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड वन, या फिर ये भी हो सकता है कि वो दूसरी तरफ भी एक बिगनिंग एक शुरुआत कर सकते हैं। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि सबसे पहले उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत है, हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कोई एक जना इसमें महसूस करा कि अगर वो अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो जो ये स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, थम गए हैं, कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, तो उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस अलोनलीनेस से, उस अकेलेपन से उन्हें छुटकारा मिलेगा। अगर वो अपनी नज़रें घुमाएंगे या दूसरे के नज़रिए से, सामने वाले के नज़रिए से दुनिया को देखेंगे, तो सब कुछ बदला उन्हें नज़र आएगा, ये रिश्ता दोबारा से उन्हें प्यार मिल सकता है, खुशियां मिल सकती हैं, लोनलीनेस से मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्हें नज़रें घुमाने की ज़रूरत है और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर वो पेशेंस रखते हैं, धीरज रखते हैं और अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, एंगर नहीं करते, ओवर थिंकिंग नहीं करते और एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम करते हैं, सहानुभूति करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, सूरज की तरह ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और वो एक दूसरे के साथ, या फिर कोई एक जना उनको लग रहा है कि अगर पेशेंस इस रिश्ते में आ जाता है तो वो उनके बिना रह नहीं सकते, उनके साथ ही उनकी स्टेबिलिटी जुड़ी है, तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं। जो यूनिवर्सिटी जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके एक बिगनिंग एक शुरुआत करना चाहते हैं, इस अलोनलीनेस से, इस अकेलेपन से वो मुक्ति चाहते हैं। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इसमें एक इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और इसमें पेशेंस आने के बाद टेम्पर गुस्से पर जब बैलेंस आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सकता है, एक बिगनिंग एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। तो इसका जो है गाइडेंस देखते हैं। द फूल,
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों से मूव ऑन करें जो चीज़ें परेशानियां दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं। तो पहले अपने आप को संभालें, उन बैगेजेस को, उन पुराने बैगेजेस को यहीं छोड़ दें और ऐसे लोगों के बीच में या ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, शांति मिले, सुकून मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके और वो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और वो जंप ना लगाएं, बिना सोचे समझे आगे ना बढ़ें, कोई नादानी ना करें, कोई बचपना ना करें। इसमें सलाह मशवरा करके, एक दूसरे की सलाह लेके ही एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें, गेट टू गैदर करें, एक दूसरे के लिए फोर क्यू करें, तभी ये रिश्ता, इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, आगे सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में मिल सकता है अगर वो समय रहते इन बाधाओं से, इन परेशानियों से, इनसे मुक्ति पा लेते हैं और मूव ऑन करते हैं ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से, ऐसी सिचुएशन से जो उन्हें बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं। और एक समय रहते उन बाधाओं, परेशानियों से छुटकारा पाकर रिकॉन्सिलेशन करते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे से बातें करते हुए, बिना नादानी किए, बिना बचपना किए, एक दूसरे से बात करके अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो ये रिश्ता आगे सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, सारी बाधाएँ दूर हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। तो उन्हें इसमें सबसे पहले ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ उन्हें पीस मिले, शांति मिले, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो बाधाएँ, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रहे हैं। या कुछ केसेस में ये भी इसकी गाइडेंस हो सकती है कि आप एकदम इसमें जंप ना लगाएं बिना सोचे समझे और ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के बीच में जंप करें, मूव ऑन करें जहां आपको ऐसे रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें जहां आपको शुरुआत मिले, जहां आपको शांति मिले, पीस मिले, सुकून मिले, भले ही आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पुराने वाले हिस्ट्री दोहराना चाहते हैं। तो समय को थोड़ा सा समय दें, वक्त दें, तभी आप आगे बढ़ें, इसमें जल्दबाजी ना करें और बिना सलाह मशवरे के, एक जब तक एक दूसरे से बात नहीं हो जाती तो आगे ना बढ़ें, एक दूसरे से गेट टुगेदर करें, एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुलकर बातें करें और एक दूसरे से बात करने के बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि ये रिश्ता पहले की तरह हो सके। और पास्ट वाली हिस्ट्री को अगर आप दोहराते हैं तो काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी प्यार देखने को इसमें मिल सकता है, नया प्यार, नई खुशियाँ इस रिश्ते में से मिल सकती हैं जो पहले हुआ करती थी, उसी तरह का रिश्ता बन सकता है। लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी और उन पुरानी चीज़ों को भुलाना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगर कमेंट्स देना शुरू नहीं किया तो एक अच्छा सा कमेंट्स, एक पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में खुशी होती रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।